नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका OFP नॉलेज में। दोस्तों आज के पहले नंबर पर बड़ी खबर है कि 3 तलाक विधेयक कानून बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं से एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को बुधवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही मुसलमान महिला विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले मंगलवार को राज्यसभा ने मुस्लिम महिला विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी थी। दोस्तों आगे और हम आपको बड़ी बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर दबाएं और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर, क्योंकि आपका यह शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। दोस्तों दूसरे नंबर पर बड़ी खबर है कि राज्यसभा ने मोटर व्हीकल एक्ट को पास कर दिया है। अब यह राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति जी इस पर साइन कर देंगे तो यह एक कानून बन जाएगा। इस मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि नाबालिग कोई एक्सीडेंट करता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक की जेल हो जाएगी। साथ ही नाबालिग के अभिभावक को 25,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और दोस्तों हिट एंड रन के मामले में मौत हो जाने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह पहले 25,000 था, और बगैर हेलमेट के 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और ओवरलोडिंग पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दोस्तों सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधानों पर बुधवार को राज्यसभा ने मोहर लगा दी है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के में जजों की संख्या 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के अलावा 33 जज और होंगे। पहले यह संख्या 30 थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसके लिए संसद में बिल पेश किया जाएगा। संसद की मोहर लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इससे पहले 2016 में देशभर की हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या 906 से बढ़कर 1,079 की गई थी। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर बड़ी खबर है कि वडोदरा में 16 घंटे तक कंटिन्यू 51 सेंटीमीटर बारिश हुई है। 3,500 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है और सड़क पर मगरमच्छ तैरने लग गए हैं। दोस्तों वडोदरा में भारी बारिश ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। और दोस्तों मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में और भारी बारिश का अनुमान है। बात पांचवें नंबर पर बड़ी खबर है कि 1 अगस्त को चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट आई है और सोने के भावों में हल्की फुल्की तेजी आई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि चांदी के भावों में 590 रुपये की गिरावट आई है, जिससे चांदी की के 1 किलो की कीमत 41,530 हो गई है और सोने में हल्की फुल्की तेजी आई है 15 रुपये की, जिससे सोने की 10 ग्राम की कीमत 35,795 हो गई है। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर हम आपको बता देते हैं पेट्रोल और डीजल के भाव। दोस्तों राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 6 पैसे सस्ता हुआ है, जो कि 72.80 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, वह 66 रुपये प्रति लीटर पर ही है। इसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पर बड़ी खबर है कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली खपत करने तक कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। उसी के साथ दोस्तों केजरीवाल ने 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने पर 50% की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों आठवें नंबर पर बड़ी खबर है कि जल्द ही आपके हाथों में 20 रुपये का एक पीला नोट होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में 20 रुपए के नोट पीले रंग के होंगे। साथ ही इस नोट की साइज में भी थोड़ा चेंजेस किया गया है। इसके बाद दोस्तों नौवें नंबर पर बड़ी खबर है कि उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। इसके बाद दोस्तों दसवें नंबर पर बड़ी खबर है कि आजम खान के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है यह मामला। दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर पर खबर है शेयर मार्केट से, सेंसेक्स 600 अंक नीचे लुढ़क गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अमेरिका के केंद्रीय फेडरल बैंक रिजर्व ने 2008 की मंदी के बाद पहली बार ब्याज की दरों को घटा दिया है। अमरीकी फेड के इस फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला है। SBI बैंक के शेयर 5% नीचे गिर गए हैं और मार्च के बाद पहली बार सेंसेक्स 37,000 के नीचे आ गया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर दबाएं दोस्तों, और इस वीडियो को आपके दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपका यह शेयर ही हमारी मेहनत का फल है।